आपकी याद में रहने वाले के नेत्र कैसे हो जावेंगे? निश्चल हो जावेंगे। जैसे धर्म पिताएं आते हैं अपनी सतो प्रधान स्टेज में, उनके चित्र को ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, क्राइस्ट को देखो, महात्मा बुद्ध के चित्र को देखो, उनके नेत्र निश्चल हैं या चंचल हैं? निश्चल हैं। वो दृष्टि शक्ति सुधारती है, लेकिन वो तो रिपेयर है, रिपेयरर। शक्ति रूपी मकान की उन्होंने मरम्मत की है, थपथपाया है, नया नहीं बनाया। और शिव बाबा तो नया मकान आकर के बनाते हैं। तो शिव बाबा की दृष्टि तो कितनी निश्चल होगी, इतनी निश्चल दृष्टि होगी, निराकारी स्टेज होगी कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी दुनिया में ले जाएगा और जीते जी ले जाएगा। क्या ऐसी निरंकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाएगा जो तुम अनुभव करेंगे कि परमधाम इस सृष्टि पर उतर आया है? कोई संकल्प नहीं चलेगा। अभी चाहते हैं कि व्यर्थ के संकल्प न चले, तो भी चलते हैं। फिर क्या होगा? फिर समस्या हो जाएगी कि हम चाहे हैं कि थोड़ी जो हमारे संबंधी बाहर की दुनिया में रह गए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद आ जाए, लेकिन याद ही नहीं आएगा। क्या होती है तीन प्रकार की? लाल, हरी और काली, इसका बेहद क्या है? जो वाचा चलाने वाले होते हैं ना, तो जो तीखी वाणी बोलते हैं, उन कहते हैं अरे लाल मिर्च है, इससे ज्यादा मत मुंह लड़ाना। तो बहुत तीखी होती है बातों में, तो कहते हैं लाल मिर्च। क्या है? और कोई बातों में तीखी नहीं होती है, लाल मुंह वाली नहीं होती है, क्रोध आता है तो वाचा से भी क्रोध झलकता है और चेहरे से भी लाल चेहरा हो जाता है, तो वो लाल मिर्च नहीं दिखाई देगी। काम विकार से एकदम काली कलूटी है, अंदर से संकल्प इतने गंदे चलाएगी, उसके संकल्प से ही कोई का कल्याण हो जाए, कहते इसकी नजर लग गई। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों को खराब नजर से बचाया जाता है, तो काली मिर्च हो गई। इन दोनों तरह की मिर्चों के मुकाबले हरी मिर्च थोड़ी अच्छी मानी जाती है, उसके लिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं हरी मिर्च खाना चाहिए। हरी मिर्च नुकसानदायक नहीं होती है, हरित रंग ही अच्छा होता है, हरा रंग। और हाँ हाँ शंकर को ना एक तस्वीर में खाली पे बैठा दिखाया है और दूसरी में गाय के ऊपर बैठा दिखाया है। इसका गाय नहीं, बैल। हाँ, बैल के ऊपर बैठा। हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शंकर का जो शरीर है जिससे पुरुषार्थ करते हैं, वो शरीर रूपी रथ है, शेर के मुकाबले शक्तिशाली पार्ट बजाने वाला है। जैसे हमारे झंडे में
हमारे भारत के नोटों में 3 शेर दिखाए जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं की यादगार हैं, जिन देवताओं ने इस संसार रूपी जंगल में रह करके ऐसी ज्ञान की दहार मारी थी कि उस ज्ञान की दहार का जवाब कोई विद्वान पंडित आचार्य शंकराचार्य नहीं दे सका। सामने आकर के शेर का कोई सामना करता है? कोई जानवर शेर का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। तो 3 शेर के रूप में वो त्रिमूर्ति दिखाई गई है। उन 3 शेरों में जो शंकर का रूप है वो चीते के रूप में दिखाया है, जिसे टाइगर कहा जाता है। क्या हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता, जिसे बाघ कहा जाता है, माना जाता है। शेर ताकत में ज्यादा होता है लेकिन बुद्धि में उतना तीखा नहीं होता, और चीता तीक्ष्ण बुद्धि होता है, इसलिए उसमें ताकत ज्यादा होती है। इसलिए शंकर को जो बाघ अंबर दिखाया जाता है, अंबर माने वस्त्र, बाघ अंबर माने काहे का वस्त्र, बाघ का वस्त्र। क्या शेर का वस्त्र नहीं दिखाते हैं? काय का वस्त्र दिखाते हैं, बाघ अंबर, बाघ का वस्त्र दिखाते हैं। वस्त्र माना शरीर, वस्त्र माने क्या होता है वेद में, शरीर। उनका शरीर रूपी वस्त्र ऐसा है, ऐसा पुरुषार्थी वस्त्र है जो संसार रूपी जंगल में रह करके बाघ के मुआफिक पार्ट बजाता है, इसलिए बाघ अंबर के रूप में दिखाया है, बाघ अंबर। फिर बैल के ऊपर भी बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसका मतलब हुआ कि जो ब्रह्मा बाबा है वो बैल का पार्ट है। जहां जहां शिव के मंदिर हैं, वहां शिव के मंदिर में सामने बैल नहीं रखा होता है। जहां नाली गिरती है वहां नाली के सामने बैल दिखाया जाता है। लिंग होता है और जलाधारी होती है, जलाधारी को ही नाली के रूप में दिखा दिया गया है, जिसके सामने बैल दिखाया है माने लिंग में जो पार्ट चलता है वो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य का चलता है। जो मनन चिंतन मंथन में मग्न रहता है ऐसे फरिश्ता का चलता है या बैल का पार्ट चलता है? वो नाली में बैठता है, स्त्री का जो अंग दिखाया गया, पार्वती का, जो तुम सब पार्वतियां हो, पार्वतियों का जो अंग दिखाया गया है उस अंग में लिंग बैठा है, वो लिंग है प्रजापिता की यादगार। जिस शरीर रूपी चिन्ह में लिंग में शिव प्रवेश करता है
वो पार्ट शिव बजाता है, प्रजापिता बजाता है या ब्रह्मा बजाता है? है कौन बजाता है? है शिव बजाता है, प्रजापिता बजाता है? अरे बैल, बैल ज्यादा सोचेगा विचारेगा, कोई कर्म किया जाता है तो जानवर सोच विचार के कर्म करता है या मनुष्य सोच विचार के कर्म करता है? कौन करता है? जानवर नहीं सोचता विचारता है। तो जो सोच विचार न करने वाली आत्मा है वो राम कृष्ण के बीच में कौन है? ब्रह्मा। उसको बैल के रूप में दिखाया है, उसका आकर्षण उस स्वरूप के प्रति है जिसे स्त्री चोला कहा जाता है। राम वाली आत्मा को तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कहा गया है, इसलिए बैल के ऊपर तब तक सवारी नहीं कही जा सकती शंकर की, जब तक वो संपूर्ण नहीं बना है। संपूर्ण अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, शिव समान नहीं बना है। जब समान बन जाता है तो शिव शंकर मिलाकर एक कहा जाता है। अभी शिव और शंकर की आत्मा में भेद है या नहीं है? है, है। शिव कल्याणकारी और शंकर सदा कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। शंकर तो मिक्स पार्ट है, का नाम है मिक्स पार्ट, अर्थात पता ही नहीं चलता कि राम की आत्मा बोल रही है कि कृष्ण की आत्मा पार्ट बजा रही है कि शिव की आत्मा पार्ट बजा रही है। मिक्स पार्ट है, उसका नाम दिया है शंकर। तो शंकर का पार्ट है विनाशकारी, जो स्थापना करता है वो विनाश भी करता है। ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना किसने की? ब्रह्मा ने। वही आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके अभी इम्प्योरिटी के द्वारा सारी ब्राह्मणों की दुनिया का क्या कर देगा? विनाश कर देगा। विनाश उन्हीं ब्राह्मण आत्माओं का होगा, उन्हीं ब्राह्मणों के शरीर का विनाश होगा जो आत्म की स्थिति में परिपक्व स्टेज वाली बनने की पुरुषार्थी नहीं है, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आते हैं, घड़ी घड़ी नीचे गिरते हैं, घड़ी घड़ी पतन हो जाता है, घड़ी घड़ी शक्ति क्षीण करते हैं। वो विधर्मी आत्मा है। ब्राह्मण कोई विरोध पैदा कर रहा है, वो विरोध पैदा करेगी, विरोध पैदा कर रहा है कि जब यही धरा से भगवान आया है, शंकर आया है, शिव आया है, तो कई महान कार्य ईश्वर को जल जला के बताएगी है, तब हम मानेंगे। क्या महान कार्य ईश्वर को जल जला के बताए ब्राह्मण लोग? कालेश्वर को जल चढ़ा के बताओ। हम ठीक बात है, जो महाकालेश्वर है, महाकाल है, सारी दुनिया को खा जाने वाला है, उसको काल खाते हुए कोई नहीं देखेगा, ऐसे महाकाल को कोई ज्ञान सुना के देखे? ज्ञान माने ज्ञान जल, उसके ऊपर कोई आकर के ज्ञान चढ़ाए? कोई उसको ज्ञान चढ़ाएगा, ज्ञान सुनाएगा? तो बात तो सही है ना, जो महाकाल का पार्ट है उसको ज्ञान कौन सुनाएगा? वो सबका बाप है, सबका टीचर है, सबका गुरु है, उसका गुरु को टीचर कौन बनेगा? बीच में प्रसंगांतर नहीं करना चाहिए, बात पूरी हो जाए तब अपनी बात बोलो। हाँ, और बाबा ये मोड़ इतनी सुंदर है, उसके पेट में क्यों खराब, खुद जोर नहीं होती थी।
जो मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में जितने भी पक्षी हैं, उनको अगर पुलिस के आदमी गोली मारते हुए देख लें, तो उतने दंड के अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन अगर मोर को मारते हुए पकड़ लेंगे तो दंड के अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है, भारत राष्ट्र का सम्माननीय पक्षी है। इसकी देहाभिमानी की पूंछ कृष्ण के मस्तक पर दिखाई जाती है। क्या वो कौन कृष्ण है, सतयुग का या संगम युग का? संगम युग का कृष्ण है, जिसके बुद्ध रूपी सिर में, बुद्ध रूपी मस्तक में वो देहाभिमानी की सुंदर सुंदर पूंछ दिखाई गई है। क्या ऐसे नहीं, देहाभिमान नहीं है, देहाभिमान तो है, और मनुष्य आत्माओं का जो देहाभिमान है वो दुखी कर देता है। बच्चे की पैदाइश होती है तो भी दुख, बच्चे की पालना बड़ा करने में भी दुख, और मरता है तो भी पूरे परिवार को दुख। लेकिन वो पूंछ ऐसी है कि देहाभिमानी की पूंछ का भी कार्य करती है, लेकिन दुख नहीं देती, सुख देगी दुख नहीं देगी, जो विकारी बच्चे पैदा हो जाएं। नहीं तो घर घर में बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं देहाभिमानी की पूंछ से। वो पूंछ मोर की पूंछ है, मोर विकार से बच्चे पैदा नहीं करता। क्या मुख का प्यार होता है, उस मुख के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, क्योंकि मुख में ही मन बुद्धि रूपी वाइब्रेशन छूटते हैं, उन अच्छे वाइब्रेशन से ही ब्राह्मणों की अच्छी सृष्टि बनती है। तुम बात सुनती नहीं हो, सुनाने के चक्कर में ज्यादा रहती हो, सुनाओ। पति नहीं निकले, ज्ञान में निकल रहे तो निकल सके, पति ज्ञान में न निकले तो ये कह रहे हम निकल सकते, कहीं नहीं कर सकते, तुम तो सब कुछ कर सकते। बच्चा नहीं निकल रहा है, पति नहीं निकल रहा है, खेलवाए। तुम ज्ञान में आ गई, आ गई। अब वो तुम्हारा भैया है, सही है, पति है, भैया है, तुम क्यों पति पति हिला रही हो? तुम्हारी भाई की दृष्टि बनेगी तो उनकी भी आत्मिक दृष्टि बन जाएगी, वो निकल पड़ेंगे, आप उनको नहीं निकलने देते हैं। तो आपको लगाव लगा हुआ, इसलिए मुरली में बाबा ने बोला, मुट्ठी तेरा पति कहाँ से आया? हाँ, टाइम हो गया।